यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाला कंसेशन जो कोरोना के चलते होल्ड कर दिया गया था उसे अब परमानेंटली रद्द कर दिया गया है, लेकिन सांसदों को मिलने वाली रियायत यथावत जारी है। बुजुर्गों को हो रही असुविधा के लिए हमें खेद है। मार्च 2022 से पहले 58 साल से ज्यादा की महिलाओं को 50% और 60 साल से ज्यादा के पुरुषों को किराए में 40% छूट मिलती थी। इस छूट का लाभ हर साल करीब 6 करोड़ बुजुर्ग उठाते थे, लेकिन रेलवे को हो रहे नुकसान का हवाला देते हुए सरकार ने यह सब्सिडी पूरी तरह बंद कर दी है, लेकिन सांसदों और पूर्व सांसदों को मिलने वाली रियायत जारी है। सांसदों को खुद और साथ में अप टू 2 कंपेनियंस का टिकट फर्स्ट क्लास तक मुफ्त मिलता है, वहीं पूर्व सांसदों को खुद फर्स्ट एसी में और कंपेनियन के साथ सेकंड एसी का टिकट फ्री मिलता है। जहां बुजुर्गों का कंसेशन हटाकर रेलवे हर साल 1500 करोड़ रुपए बचा रहा है, वहीं एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि सांसदों पर रेलवे ने पिछले 5 सालों में 62 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हम जैसे टैक्स पेयर्स के पैसों से सांसदों को मुफ्त टिकट देना, वहीं बुजुर्गों को मिल रहा 40% का कंसेशन भी हटा देना, क्या सही है? कमेंट्स में डिस्कस करते हैं।